ग्वालियर में पुलिस ने रक्षाबंधन के पहले त्यौहार के अंतर्गत शहर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। पिछले 2 महीने के अंदर चोरी हुए कुमुई 111 मोबाइल तलाश कर पुलिस ने मोबाइल धारकों को पुलिस कंट्रोल में बुलाकर लौटाए हैं। मोबाइल वापस पाकर यहाँ मोबाइल धारकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इस तोहफे के लिए पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। इन मोबाइलों की कीमत 22 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल द्वारा लगातार चोरी हुए और गुम मोबाइल को तलाशने का काम किया जा रहा है। ऐसे में ग्वालियर साइबर सेल द्वारा पिछले 2 महीने में गुम और चोरी हुए करीबन 111 मोबाइल ढूंढ निकाले गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में आज SP राजेश सिंह चंदेल की मौजूदगी में मोबाइल धारकों को बुलाकर पुलिस ने उन्हें मोबाइल वापस किए। SP राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि साइबर सेल ने 111 मोबाइल ढूंढे हैं जिनकी कीमत 22,18,000 रुपये के करीब है। साइबर सेल की है मोबाइल बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों से भी लेकर आई है, जिनमें एप्पल आईफोन से लेकर अलग अलग कंपनियों के मोबाइल साइबर सेल द्वारा बरामद किए गए हैं। ज़्यादातर मोबाइल मिडिल क्लास लोगों के हैं और उन्हें रक्षाबंधन से पहले पुलिस ने यह बड़ा तोहफा दिया है। इस कार्य में साइबर सेल की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को त्यौहार से पहले खुशी मनाने का मौका भी मिला है। ये करीबन 111 मोबाइल साइबर सेल ने पिछले 2 महीने में ढूंढे हैं जो करीबन 22 लाख की कीमत के हैं। और इसमें खास बात यह है कि ये जो मोबाइल हैं ये मात्र मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये बिहार, दिल्ली और UP, राजस्थान इन जगहों से भी लेके आए गए हैं। और इसमें एप्पल से लेके सब तरह के मोबाइल हैं इसमें, और ज़्यादातर इसमें जो हमारा मिडिल क्लास व्यक्ति है उसके काफ़ी मोबाइल मिले हैं। तो ऐसे लोगों को एक रक्षाबंधन के पहले ये मोबाइल वापस किए गए हैं एक सामूहिक तौर पे। इसमें हमारे शियाज जो हमारे DSP क्राइम है और हमारे एडिशनल SP ऋषिकेश मीणा और थाना प्रभारी जो हमारी साइबर सेल की हैं रजनी, ये इनका बहुत उल्लेखनीय कार्य रहा है। इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम करके ये एक अच्छी उपलब्धि ग्वालियर पुलिस को दिलवाई है और लोगों को त्यौहार के पहले खुशी का मौका दिया। 22,18,000 रुपये के मोबाइल हैं ये और 111 मोबाइल।